उच्चानंद गार्डन में एक अनोखा होली मिलन कार्यक्रम महिलाओं ने आयोजित किया। कोरोना काल की विकट परिस्थितियों के बावजूद शहर से बड़े पैमाने पर महिलाएं घर से निकलकर इस कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में डांसिंग और सिंगिंग के साथ साथ फुल मस्ती करते हुए महिलाएं दिखी। इससे पहले भी सविता सिंह ने शहर में ऐसा आयोजन करवाया है। इस कार्यक्रम की मुख्य बात यह थी कि महिलाओं को घर से बाहर निकलकर मानसिक रूप से स्वतंत्र होकर आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। इस कार्यक्रम में सहायक टीम में ऐश्वर्या डबराल, संगीता सिंह, संध्या सिंह, रूपी सिद्दीकी, आशा श्रीवास्तव का बड़ा योगदान रहा। मुख्य अतिथि के रूप में शहर के समाज सेवी वंदना दत्ता, रेखा इंगोले, नलिमा गोयल और झारसुगड़ा से आई हुई विश्व ग्रुप की डायरेक्टर ममता पटवा भी उपस्थित रही। मेरा नाम सविता सिंह है। यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया गया था, क्या उद्देश्य था इसका? हम आप जैसे आप लोगों को पता था कि होली मिलन समारोह होने वाला है महिलाओं के लिए। आप लोग देखिए, यहाँ महिलाएं काफ़ी संख्या में शामिल हुई, बहुत खुलकर एंजॉय की और मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग बहुत खुश होकर गए। और हमारे प्रोग्राम में हर उम्र के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की गई थी। जैसे हमारे जो अतिथिगण थे वो थोड़ी उच्च वर्ग की महिलाएं थे, उनके लिए हमारे लिए नाच गाना था, कुछ फगुआ रस के गीत थे। जो हमारे यंग लड़कियां हैं उनके लिए नाच गाना का व्यवस्था था, बच्चे थे उनके लिए डांस, उनको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत तरह के हमने गिफ्ट भी रखे थे। क्विज कॉम्पिटिशन भी किए महिलाएँ, जिसमें बहुत उत्साहित होकर एंसर कर रही थी। खाने पीने की व्यवस्था थी, मतलब टोटली उन लोग बहुत खुश होकर गए और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ। सरगुजा ट्राइबल इलाका है, यहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए और किस तरह से लोगों को आगे आगे क्या, आगे क्या होना चाहिए? इस तरह का प्रोग्राम बिल्कुल होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं जैसे मैं हूँ मेरे साथ मिलकर और हम इस प्रोग्राम को बड़े स्तर पर कर पाए। अभी तो केवल हमारे अंबिकापुर के लोग ही इसमें उपस्थित हो पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इतने बड़े स्तर पर हो कि छत्तीसगढ़ के हर कोने से लोग आए और इंजॉय कर सके। एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मैं इस प्रोग्राम को और बड़े बृहद रूप से ऑर्गेनाइज करने की मेरी जो ड्रीम है, मैं इसको पूरा करना चाहती हूँ। आगे आने वाले सालों में मैं इसे बहुत बड़े रूप में करना चाहूँगी। आज यहाँ कौन कहाँ कहाँ से सम्मिलित होकर आए थे? हमारे प्रोग्राम में जो हमारी अतिथिगण थी, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, झारसुगड़ा से हमारी जो बिस्वा ग्रुप की डायरेक्टर है ममता पटवा जी, काफ़ी दूर से आई हमारे प्रोग्राम को अटेंड करने का और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो बहुत इंजॉय करी है, उनके चेहरे से मुझे ऐसा फील हो रहा है। और जो हमारी यहाँ समाज सेविका है जो बहुत अच्छा अंबिकापुर में काम कर रही है, हमारी वंदना दत्ता बुआ जी हैं जिनको पूरा अंबिकापुर बुआ जी के नाम से जानता, उनके साथ उनकी जो दोस्त है जो हमारी अतिथि थी रेखा इंगोले जी आई थी और नीलिमा गोयल जी थी और भी बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ महिलाएं थी जो बहुत रिस्पेक्टेड योग्य हैं और हमारे प्रोग्राम में आके वो मेरे प्रोग्राम का बहुत मान सम्मान बढ़ा दिए। थोड़ा नाम बता देंगे अपना? आप सबका बाइट ले लीजिएगा ना, थोड़ा थोड़ा जो मेरे फ्रेंड लोग हैं। मेरा नाम ममता पटवा है, मैं बिस्वा डायरेक्टर हूँ। सबसे थोड़ा आज यहाँ पहुँची थी तो किस तरह का कार्यक्रम था और कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो सविता जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी क्योंकि वो खुद डायरेक्टर है बिस्वा की और बिस्वा एक महिला लोगों का संस्था है जिसमें ऑल ओवर इंडिया में महिला लोग काम करते हैं। और अभी हमारा ये है ममता सैलून एकेडमी जो आईटी सेक्टर में है, जो पूरे ट्राइबल इलाका में जितने भी बच्चे लोग हैं जो फाइनेंशियली कंडीशन उनका ठीक नहीं रहता तो उनको कुछ रोज़गार के लिए स्वावलंबी बनाने के लिए हम ये ट्रेनिंग लेते हैं। और इसमें देखिए झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरपाली, बरगढ़ और यहाँ पे है अंबिकापुर, यानी कि अनिता सविता मैडम का ये संस्था है। आईटीआई का सर्टिफिकेट उनको मिलेगा और इनका यहाँ पे जो बच्चे लोग आएंगे जिनके पास पैसा रहे या ना रहे उनको गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्लासेस दिया जाएगा। यहाँ पे अंबिकापुर में जितने भी महिलाएं हैं उन लोगों को सविता जी गाइड करती हैं और अच्छे काम के लिए प्रेरणा देती हैं। ऐसा और होना चाहिए यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा होना चाहिए। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हम बिस्वा ग्रुप का मकसद है हर एक औरत स्वावलंबी हो, किसी के आगे ना झुक के अपने पैरों पे खड़ी हो। और आगे हमारा एक और कार्यक्रम हो रहा है जो कि बिस्वा ग्रुप लेडीज लोग ही ऑर्गेनाइज कर रही हैं और उसमें पद्मिनी कोल्हापुरी जी को बुला रही है। ये रहा उसका पाम्पलेट 5 अप्रैल को, जिसका सारा काम हमारा बिस्वा टीम बिस्वा प्रेसिडेंट लोग कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी सारी लेडीजें हैं ये झारसुगड़ा आ रही हैं। तो ये लेडीज लोग आप समझ सकते हैं कितना काम कर रहे हैं और हमारा ये मकसद है।